दोस्तों स्पोर्ट्स तक में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको बहुत बड़ी खबर दी थी कि न्यूजीलैंड के होम सीरीज के लिए टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। रोहित शर्मा होंगे कप्तान T20 सीरीज में और नए चेहरे को देखने मिलेगा टीम में, और उनमें से एक है हमारे साथ आज मौजूद वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। वेंकटेश जी सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, टीम इंडिया में आपकी एंट्री हो चुकी है। किस तरह ये न्यूज आपके सामने आई कि हाँ आप टीम इंडिया का हिस्सा हैं? मेरा साथी आवेश खान जो जिसका सिलेक्शन हुआ है टीम में, उसी ने मुझे ये खबर दी। मैं एक्चुअली मेरे रूम में था और अच्छा लगा कि दोनों का साथ में हुआ है और हम दोनों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया साथ में। ये जो न्यूज जब आपको आवेश खान ने दी, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक सरप्राइज के तौर पर आपके सामने आई? थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो था आईपीएल के परफॉर्मेंस के बाद, बट हाँ मैं ऐसा कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं टीम में आ जाऊंगा, ये होगा। जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं बस उसको खुले हाथों से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ज्यादा आगे की सोच नहीं रहा हूँ और जो टास्क इन हैंड है बस उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो कोई इतना बहुत ज्यादा इमोशंस भी नहीं थे जब टीम में सिलेक्ट हुआ। आपने कहा बहुत ज्यादा इमोशन नहीं थे जब आपका टीम में सिलेक्शन हुआ, किस तरह से सेलिब्रेट किया जब आपको ये न्यूज पता चली? आवेश के साथ सेलिब्रेट किया, किस तरह किया? मैंने तो घर वालों से बात किया, काफी खुश थे वो, मेरी दीदी जो कि चेन्नई में है उनसे बात किया, और काफी इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं वो मेरे इस करियर का, तो उनको भी मैंने कंग्रेचुलेट किया। और फिर हम पांच छह दोस्तों ने मिलके वी हैड डिनर टुगेदर और पूरी टीम ने कंग्रेचुलेट किया, तो अच्छा लगा कि अभी बबल में होने के कारण अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ बट यहाँ पे एमपी टीम जो मेरी एक और फैमिली है उसके साथ हूँ, तो अच्छा लगा कि फैमिली ने साथ में रह के ये मोमेंट सेलिब्रेट किया। फाइनली फादर आपके हैप्पी हैं कि राइट डिसीजन मानते हैं कि हाँ पढ़ाई को छोड़के एमबीए के करियर को छोड़कर सीए के छोड़कर जो क्रिकेट का डिसीजन लिया था वो सही साबित हुआ, खुश है वो? हाँ बिल्कुल खुश है, और उनकी खुशी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है कि इंडिया खेलना तो ये है, उनको पता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपने प्रोसेस पे स्टिक कर रहा हूँ, तो कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि मैंने पढ़ाई को सेकेंडरी पोजीशन दिया, बट आई थिंक हाँ वो काफी खुश हैं कि मैं टीम में हूँ और वो भी ये चाहेंगे जो मैं चाहता हूँ कि टीम में सिर्फ आना मेरा मकसद नहीं है, जाके कॉन्ट्रीब्यूट करो और इंडिया को मैचेस जिताऊं। आपने पढ़ाई की बात की वेंकटेश, लेट्स गो बैक थोड़ा सा एक पीछे जाते हैं कि क्रिकेट किस तरह से आपके लाइफ का हिस्सा बना, पढ़ाई करते करते सीए बनने वाले थे, एमबीए किया, तो फिर ये क्रिकेट कैसे हुआ? क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट लव, मुझे हमेशा क्रिकेट खेलना पसंद रहा है, काफी पैशनेट हूं मैं गेम को लेके, और दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया जब सिलेक्शन नहीं होते तब मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दूंगा, बट आई थिंक मैं अपने प्रैक्टिस को और सीरियसली लेता गया, और फिर ऑब्वियसली जब मेरा सीनियर स्टेट की टीम में सिलेक्शन हुआ, रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं मुझे और प्रोफेशनली गेम को देखना चाहिए, और आई थिंक उसके बाद से मैंने क्रिकेट को काफी क्रिकेट में इन्वॉल्व होके खेलना बहुत स्टार्ट किया उसके बाद। कितना टफ था आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हाँ मुझे क्रिकेट एज अ करियर बनाना है? बिल्कुल टफ नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुशी खुशी एग्री किया, और बहुत करेजियस होता है एक साउथ इंडियन ऑर्थोडॉक्स फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना कि बेटा पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दे रहा, और मैं हमेशा इसके लिए उनका आभारी रहूंगा कि ऐसा ब्रेव डिसीजन उन्होंने लिया ना ही मैंने, तो इतना टफ नहीं था उनको कन्विंस करना। राइट हैंडेड बैट्समैन थे आप शायद, उसके बाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बने, क्या दादा का इन्फ्लुएंस था? हाँ बिल्कुल, जब छोटा था, बहुत छोटा था, तब मैं राइट हैंडेड खेलता था, बट दादा को देख देख के आई वांटेड टू कॉपी हिम, डू एवरीथिंग लाइक हिम, तो उसी उसमें मैं लेफ्ट हैंडर भी बन गया। अच्छा लगता है जब लोग थोड़ा दादा को लेके कंपेयर करते हैं। तो दादा से मिलना हुआ अभी तक? हाँ आईपीएल फाइनल के बाद दादा से मिला था और अच्छा लगा उनसे बात करके काफी। क्या बात हुई, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नॉर्मल बातें हुई, उसमें कहा अच्छा अच्छा चल रहा है और मेहनत करते रहो और एफर्ट्स डालते रहो, रिजल्ट की तरफ ना देख के प्रोसेस पे स्टिक करते रहो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आईपीएल की बात की आपने वेंकटेश, एक सवाल उठता है कि कितना इम्पोर्टेंट रहा है केकेआर का सफर आपके लिए, और कितना क्रेडिट देंगे आप केकेआर को इस पूरे सफर में? बहुत इम्पोर्टेंट रहा, आई थिंक काफी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसका मेरे इंडिया टीम में आने को, एक अच्छा आईपीएल सीजन जो मेरा गया है उसकी वजह से, ऑब्वियसली डोमेस्टिक भी इम्पोर्टेंट था बट आईपीएल में परफॉर्म करने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और
बेनिफिट मिला टीम में सिलेक्ट होने को, और आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज टू केकेआर फैमिली की उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया. सबसे पहले तो पिक किया उनके स्क्वाड में, इतना टैलेंटेड स्क्वाड है उसमें अगर मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया है तो उनका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है. और वो जर्नी काफी मेमोरेबल रहा था मेरे. वो जर्नी मेमोरेबल था. आपने ये एंटिसिपेट किया था कि इतनी जल्दी इतना सक्सेस मिलेगा आपको? नहीं, मैं बिल्कुल इतना फॉरवर्ड लुकिंग नहीं हूँ कि आगे क्या होगा उसको इतना नहीं सोचता हूँ. जो मेरे हाथ में टास्क है मैं उस पर फोकस करता हूँ. अभी भी मैं ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं टीम में हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैं टीम में कैसे परफॉर्म करूंगा, अपने रोल को कैसे फुलफिल करूंगा. नॉट थिंकिंग टू मच अहेड. लास्ट फ्यू क्वेश्चन वेंकटेश बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू. जब प्लेयर्स लाइक योर कोच जो आपके ब्रेंडन मैकुलम है वो आप पे इतना आप पे भरोसा जताते हैं और आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गिलक्रिस्ट के जैसे ग्रेट प्लेयर्स के साथ तुलना कर देते हैं, तो कैसा फील होता है? हाँ, अच्छा फील होता है अगर क्रिकेट के ग्रेट्स आपके बारे में बात करें तो. बट इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे में आपके काम पे फोकस करते रहना. ये कंपैरिजंस तभी आते हैं जब आप आपका काम रेगुलरली करते रहते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. और आई थिंक बैज से मेरा इंटरेक्शन काफी स्मूथ और काफी अच्छा रहा है. उन्होंने जिस तरह से मुझे अपना बैटिंग और बॉलिंग करने को कहा है वो आई थिंक वो एक ह्यूज रोल था कि मैं जाके फ्रीली वहां खेल पाता. कोहली और धोनी से भी आप मिले थे आईपीएल के दौरान, कुछ टिप्स मिली उनसे? हाँ, दोनों से मेरी बात हुई थी और उन्होंने भी बस अपने फिटनेस पे ध्यान देने का कहा था और बैटिंग बॉलिंग पे इक्वल फोकस रखने को और अच्छा कमिटमेंट रखने की सलाह दी थी. अभी आप न्यूजीलैंड टीम का की सीरीज का हिस्सा रहेंगे, अनफॉर्चुनेटली कोहली उस सीरीज का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनको रेस्ट करने मिला है, तो आप वो मिस करेंगे कोहली का प्रेजेंस ड्रेसिंग रूम में? हाँ, मतलब कोहली वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द क्रिकेट हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं रहेंगे तो एक वर्ड रहेगा. बट आई थिंक टीम काफी टैलेंटेड है. इंडिया के प्लेयर्स रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, सबके होते हुए मैं काफी एंजॉय करूंगा. और लास्ट दो सवाल वेंकटेश, आईपीएल में आप केकेआर के लिए ओपन करते हैं तो क्या अभी अब इस सीरीज में आप ओपन करने के लिए रेडी रहेंगे या किसी और पोजीशन पे खेलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रोहित और केएल राहुल की जो है ओपनिंग पेयर काफी एस्टेब्लिश्ड है, तो क्या आप ओपन करने के लिए रेडी रहेंगे या कहीं और पोजीशन पे खेलने के लिए रेडी हैं आप? हाँ, एज अ क्रिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबल होना, तो मैं रेडी हूँ. जो भी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जो भी रोल दी जाए उसको फुलफिल करने के लिए मैं रेडी हूँ. वेंकटेश, आप एज एन ऑलराउंडर की तरह उभर कर आ रहे हैं, आप एक बहुत ही बड़े शूज को फिल करने जाएंगे हार्दिक पांड्या, तो उसको लेकर आप बताइए, जब आप एक एज एन ऑलराउंडर के तौर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, हार्दिक जैसे बड़े खिलाड़ी के शूज को फिल करने जाएंगे आप? किसी के शूज को फिल करने की बात नहीं है, ये है कि मुझे पिक किया है तो मुझे मेरा जो रोल दिया जाता है उसको फुलफिल करना है, बी इट बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग. तो जो भी कैप्टन और कोच मुझसे चाहेगा जिस भी तरीके से उसको करने की कोशिश करूंगा और अपने प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, ना ये सोच के कि मैं किसकी जगह खेल रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ. तो मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये सीरीज काफी अहम रहेगी आपके लिए वेंकटेश, क्योंकि इसके बाद आप देखा जाए तो आपका T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद एक और वर्ल्ड कप है, तो आप अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे ताकि आगे जाकर आपके नाम बार बार टीम का में हो? हाँ बिल्कुल, हर एक खिलाड़ी यही सोचता है कि वो टीम में जाए तो ऐसा परफॉर्मेंस करे कि टीम में एस्टैब्लिश हो और इंडिया के लिए लगातार गेम्स खेलते रहे. तो आई एम नो डिफरेंट, मैं भी यही चाहता हूँ कि टीम के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहूँ और इंडिया को कई मैचेस जिताऊँ. 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसके टीम का हिस्सा मानते हैं अपने आपको, सोचते हैं कि मैं वहां तक जाऊंगा? अभी इतना दूर का नहीं सोचता मैं, जैसे आपको बताया मैं इतना आगे का नहीं सोचता हूँ. आई एम टेकिंग थिंग्स एज दे कम. तो जो जो भी लाइफ में हो रहा है मैं उसको खुले हाथों से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और बस जो टास्क इन हैंड है अभी फिलहाल जो नियरर फ्यूचर में है बस उस पे ध्यान दे रहा हूँ, ज्यादा आगे की नहीं सोच रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का वेंकटेश, और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि न्यूजीलैंड के साथ जब आप मैदान में उतरे तो उसी तरह का जलवा दिखाएं जिस तरह से आईपीएल में आपने सबको जलवा दिखाया था. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.